Jai Mata Di, friends. Today we are going to discuss a novel by Charles Dickens, that is Oliver Twist. Friends, this novel tells a story about an orphan boy. जो इसमें जो boy है उसका नाम है Oliver Twist. और जैसा कि इस novel का नाम है Oliver Twist, जो orphan boy है उसकी story है, जो मतलब फ्रेंड्स आप एक आइडिया भी लगा सकते हो कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई चाइल्ड अगर ऑर्फन है, अगर वो बाय बर्थ ही मतलब उस बर्थ के टाइम से ही उसके पेरेंट्स नहीं हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, तो उसकी लाइफ कैसी होगी, कितना स्ट्रगलिंग लाइफ होगी. तो ऐसे हमने कई नॉवेल्स पहले भी डिस्कस किए हैं और सेम इसमें भी ऐसा ही है कि उसकी पूरी जो लाइफ का स्ट्रगल है, किस तरीके से स्टार्टिंग में उसके फादर की भी आइडेंटिटी नहीं होती है कि कौन है, मदर कौन है, और किस तरीके से वो बच्चा जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में बड़ा होता है और उसके बाद में वो एक अच्छे पर्सन के हैंड में जाता है, सोवर बरीज के हैंड में. तो इस तरीके से इसकी जो स्टोरी है, एट द एंड दे लिव्ड ए हैप्पी लाइफ, बट इन द स्टोरी देयर इज मींस स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से उसका बर्थ होता है और उसके बाद में किस तरीके से उसकी लाइफ गोइंग होती है, कि किस बाद में वो क्रिमिनल्स से भी मिलता है. और तो ये सब हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर्स. सो फर्स्ट वन, लाइक आई टोल्ड यू, ओलिवर ट्विस्ट इज द प्रोटैगनिस्ट. सो ओलिवर ट्विस्ट नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है, सन ऑफ एडविन लीफोर्ड एंड एग्नेस फ्लेमिंग. ये जो दोनों हैं, एडविन लीफोर्ड जो इसके फादर हैं और एग्नेस फ्लेमिंग जो इसकी मदर हैं, ये स्टार्टिंग में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है. यहाँ पे मैंने आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बता दिया, लेकिन स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं पता होता है कि इसकी मदर कौन है और इसके फादर कौन है. एग्नेस फ्लेमिंग, लाइक आई टोल्ड यू, ओलिवर की जो मदर हैं, और मिस्टर लीफोर्ड जो हैं वो फादर हैं. और यहाँ पे एक और चीज़ बाद में सामने आएगी कि ये सिर्फ ओलिवर के फादर नहीं है, ये मॉक्स के भी फादर हैं. मीन्स मॉक्स इसका हाफ ब्रदर है ओलिवर का. ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ओल्ड सैली है. ओल्ड सैली जो है ये एक नर्स है जिसने ओलिवर का जो बर्थ करवाया था, मतलब हम कह सकते हैं एक बूढ़ी औरत हैं. और इसने जिस टाइम पे बर्थ करवाया था उसी टाइम पे, मतलब इसको बर्थ जन्म देते ही इसकी मदर जो थी एग्नेस फ्लेमिंग वो मर जाती हैं. और उस टाइम पे ये जो ओल्ड सैली है, इसने एग्नेस का जो गोल्ड लॉकेट था वो उसने चोरी कर लिया था, जिससे उसकी जो आइडेंटिटी है ओलिवर की वो थ्रू आउट द नोवेल हाइड ही रहती है, ये नहीं पता चल पाता एंड तक कि ये किसका बच्चा है. तो ये सारी चीज़ें एंड में जाके क्लियर होती हैं. एक है मिसिज मैन, ये जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ जुवेनाइल वर्क हाउस वेयर ओलिवर इज रेज्ड. यहाँ पे ये जो लेडी होती हैं काफ़ी क्रूअल होती हैं, वहाँ की देखभाल करती हैं, जैसे जहाँ पे बच्चों को पाला पोसा जाता है, जो आश्रम होता है वहाँ पे बच्चों का, बाल आश्रम में. लेकिन ये काफ़ी क्रूअल होती है और यहाँ पे जो ओलिवर है उसका बचपन यहीं पे बीता होता है, इसी के मतलब साथ में, मिसिज मैन के साथ में. फिर मिस्टर बम्बल हैं, इसके बाद में ये इनके हाथ में जाता है. ओलिवर जो है ये एक बीडल हैं एक पेरिस वर्क हाउस में. ओलिवर जहाँ पे वर्क करता था वहीं पे एक, आप कह सकते हो एक वर्कर होता है ये मिस्टर बम्बल. फिर नोह क्लेपोल की बात करें तो ये भी एक चैरिटी बॉय है ओलिवर की तरह, ये भी काम करता है यहाँ पे मिस्टर बम्बल के पास में, सॉरी मिस्टर सोवरबेरीज का अप्रेंटिस होता है. मिस्टर सोवरबरी और मिसेस सोवरबरी कौन है, ये वो हैं जो ओलिवर को एज ए अप्रेंटिस मतलब रखते हैं अपने पास में, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं. मिस्टर ब्राउनलो की बात करें तो एक ये वेल ऑफ हैं, एक अच्छे पर्सन हैं, एरुडाइट जेंटलमैन हु सर्व्स एज ओलिवर्स फर्स्ट बेनिफैक्टर. मीन्स ये उसको काफ़ी बेनिफिट देता है, मतलब काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करता है ओलिवर के साथ में मिस्टर ब्राउनलो जो हैं, और एक बहुत ही अच्छे जेंटलमैन हैं. तो और जो नेक्स्ट है मिस्टर ग्रिमविक, ये एक फ्रेंड है, ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर
ब्राउनलो, जिसको मतलब बाद में ये इसको ले भी लेता है, ब्राउनलो जो है वो अडॉप्ट कर लेता है ऑलिवर को, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका फ्रेंड है मिस्टर ग्रिमविक, इसको शक होता है इस पे कि ऑलिवर अच्छा पर्सन नहीं है। इसका टेस्ट भी लेते हैं, तो इनका स्टोरी में जिक्र होगा, तब आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ रोज मेली, ये जो हैं ये एग्नेस फ्लेमिंग की सिस्टर हैं। बाद में ये नोवेल में पता चलेगा, ये भी बाद में रिवील होता है कि एग्नेस फ्लेमिंग जो इसकी मदर है ओलिवर की, वो इसी की बहन थी, रेज बाय मिसिज मेली आफ्टर द डेथ ऑफ रोज़ फादर। और ये मिसिज मेली ने इनको पाला होता है रोज़ के फादर की डेथ के बाद में। मिसिज लिंच से मेली अगर हम बात करें, ये वही मिसिज मेली हैं जिसकी हमने अभी जिक्र किया है कि रोज़ मेली को इन्होंने ही पाला है। तो ये जो है मिसिज मेली, ये एक काइंड वेल्दी वुमेन हैं जो एंड द मदर ऑफ हैरी मेली एंड अडॉप्टेड आंट ऑफ रोज़, मतलब रोज़ को इसने पाला है और इसका एक बेटा है हैरी मेली। तो ये हैरी जो है यहाँ पे ये मिसिज मेली सन है। मिस्टर लॉसबर्न है, ये मिसिज मेलीज के फैमिली डॉक्टर हैं, इसका भी जिक्र आएगा नोवेल के अंदर। तो ये इनके फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब फैमिली फिजिशियन है लॉसबर्न। फिर फैगिन जो है ये बॉस ऑफ ए क्रिमिनल गैंग ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा कि मैंने बताया बाद में जो ऑलिवर है, मतलब गलत हाथों से काफ़ी मिस ट्रीटमेंट के बाद में इसके पास पहुंचता है, और ये भी कोई अच्छा पर्सन नहीं होता, ये भी एक क्रिमिनल होता है और एक क्रिमिनल गैंग को चलाता है, जिसमें ये पिक पॉकेटिंग मतलब चोरी चकारी वगैरह सिखाता है बॉयज़ और गर्ल्स को, और क्राइम्स करवाता है। तो ये है फैगिन। फिर है बिल साइक्स, ये जो आगे अब मैं जो जिक्र कर रही हूँ, ये मोस्टली ये इनके फैगिन के ही मतलब पर्सन्स हैं, इसी की गैंग के मेंबर्स हैं। लाइक फर्स्ट वन बिल साइक्स जो हैं, ये एक ब्रूटल प्रोफेशनल बगल ब्राउट अप इन फैगिन्स गैंग। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो इसकी गैंग के हैं, मतलब चोर हैं काफ़ी, मतलब इसके जो चोरी के काम हैं, क्रिमिनल वर्क्स हैं, उसमें इसका साथ देता है। जो आर्टफुल डोजर है, इसका रियल नेम है जैक डॉकिंस, और ये भी एक क्लेवरेस्ट फैगिंस पिक पॉकेट्स में से एक है। चार्ली बेट्स की बात करें तो ये भी एक फैगिन की गैंग का पिक पॉकेट है। टॉबी क्रैक किट है, ये भी एक एसोसिएट ऑफ फैगिन एंड साइक्स, मतलब ये इनके साथ में रहता है, एक हाउस ब्रेकर है। लास्ट में मतलब ये जो पर्सन है, इनके नाम तब आएंगे नोवल में जब ये जब यहाँ पे ऑलिवर जाता है और फिर ऑलिवर को साथ में लेकर ये कुछ क्राइम करने के लिए जाते हैं, पिक पॉकेटिंग करने के लिए जाते हैं, तब ऑलिवर इनके साथ में जाता है, टोबी के साथ में, आर्ट डॉजर के साथ में। ऐसे जो नैन्सी है, ये भी एक यंग प्रोस्टिट्यूट हैं, और ये भी फैगिन की फॉर्मर चाइल्ड पिक पॉकेट रही हैं। अब भी जो हैं एट द एंड ये थोड़ा सा एक अच्छा काम करती हैं, ये ऑलिवर को बचाना चाहती हैं उस फैगिन से। और बारने जो हैं, वन ऑफ द फैगिन्स क्रिमिनल एसोसिएट्स लाइक फैगिन बारने इज़ जेविस। जैसे कि फैगिन जो होता है एक जीव होता है, उस तरीके से बारने भी एक जीव होता है, और ये इसी के क्रिमिनल एसोसिएट है। मॉन्क्स, जैसा कि मैंने बताया था कि ओलिवर का हाफ ब्रदर है, और ये भी एक सिकली क्रिमिनल है, एन एसोसिएट ऑफ फैगिन, और ये भी अपने भाई को ओलिवर को माना जाता था, क्योंकि जो मॉन्क्स है ना, वो जो ओलिवर के फादर हैं उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उनका बेटा था। तो जब उसको पता चलता है कि ओलिवर उसकी जायदाद को बांट सकता है, उसके फॉर्चून को बांट सकता है, तो उसका वो दुश्मन हो जाता है। और मॉन्क्स मदर है, वो एक हेवरेस हु डिड नॉट लव हर हस्बैंड, क्योंकि मॉन्क की जो मदर है वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती है, और यहाँ पे वो मतलब मॉन्क्स के जो फादर होते हैं वो छोड़ देते हैं, बाद में ही वो ओलिवर की मदर से मतलब शादी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। जब ओलिवर का जन्म होता है तो अनमैरिड लेडी से पैदा होता है वो, मतलब जो उसकी मदर होती है उसका फादर तो है लेकिन मतलब वो मैरिड नहीं होते हैं, फादर की भी आइडेंटिटी बाद में नोवेल में रिवील होती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन अबाउट इट, कि व्हेन इट इज़ पब्लिश्ड एंड ऑल दिस। तो इट वॉज सीरियली पब्लिश्ड लाइक ओलिवर ट्विस्ट, और वी कैन से द पैरिस बॉयज प्रोग्रेस। इट इज़ ए नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस एंड पब्लिश सीरियली फ्रॉम 1837 टू 1839। So the story centers on orphan Oliver Twist, born in a workhouse and sold into apprentice with an undertaker.
इस तरीके से ये जो है इसकी जो स्टोरी है, एक ऑर्फन बच्चा है ओलिवर ट्विस्ट, और एक वर्क हाउस में पैदा होता है, वहाँ पे क्या अप्रेंटिस के तौर पे काम करता है ये कई जगह पे। आफ्टर स्केपिंग ओलिवर ट्रेवल्स टू लंदन, वहाँ से छूटने के बाद में ओलिवर लंदन चला जाता है क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा मिसट्रीटमेंट होता है। और फिर वेयर ही मीट्स द आर्टफुल डोजर, ए मेंबर ऑफ ए गैंग ऑफ जुवेनाइल पिकपॉकेट्स लेड बाय द एल्डरली क्रिमिनल फैजिन। तो जो फैगिन होता है, इसकी जो गैंग होती है, इससे मिलता है ये जब लंदन पहुंचता है। और एक मतलब यहाँ पे एक पर्सन होता है आर्टफुल डोजर, जो मैंने बताया था जिसका रियल नेम जैक है, तो इससे मिलता है। और यहाँ पे वो उसको भी मतलब पिक पॉकेटिंग वगैरह सिखाते हैं, क्राइम सिखाते हैं। डिकेंस सटायरिज द हाइपोक्रेसीज ऑफ हिज टाइम इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर, द रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड एज क्रिमिनल एंड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। इस तरीके से जो डिकेंस ने इस नोवेल के अंदर सटायर किया है उस टाइम की जो हाइपोक्रेसीज थी, जो ढोंग थे, पाखंड थे, चाइल्ड लेबर करवाते थे, वो बच्चों से क्रिमिनल वर्क करवाते थे, स्पेशली स्ट्रीट चिल्ड्रन से करवाते थे, तो उस बारे में यहाँ पे सटायर किया हुआ है। ओलिवर ट्विस्ट इज बॉर्न एज अ क्ली इन्फेंट इन ए वर्क हाउस, द पैरिश सर्जन एंड ए ड्रंकन नर्स अटेंड हिज बर्थ। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, जब उसका स्टार्टिंग में जब बर्थ होता है उसी टाइम पे उसकी मदर ख़त्म हो जाती है, उसकी बर्थ के टाइम पे ही, तो वहाँ पे सिर्फ एक नर्स होती है जैसा कि मैंने बताया था, ओल्ड सैली जो मैंने बताया था बूढ़ी औरत, और एक सर्जन होते हैं पैरिश सर्जन, उन्होंने उसका बर्थ अटेंड किया होता है। और वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं पता होता कि इसका फादर कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर और ये नर्स होती हैं, इनको ऐसे लगता है कि ये अनमैरिड ही मतलब बच्चे को जन्म दे रही है, बिन ब्याही माँ है। क्यों? क्योंकि ये देखते हैं कि उसके मतलब रिंग में कोई फिंगर में कोई वेडिंग रिंग नहीं है, तो उससे वो आइडिया लगाते हैं। हिज मदर किसिस हिज फॉरहेड एंड डाइज, वो मतलब उसके होते ही, ओलिवर के होते ही उसकी मदर ख़त्म हो गई थी। द नर्स अनाउंसेस दैट ओलिवर्स मदर वॉज फाउंड लाइंग इन द स्ट्रीट द नाइट बिफोर एंड द सर्जन नोटिस दैट शी इज नॉट वेयरिंग ए वेडिंग रिंग। ओके, ओलिवर एन ऑर्फन सिंस बर्थ स्पेंस मच ऑफ हिज चाइल्डहुड एट ए ऑर्फनेज विद टू मैनी चिल्ड्रन एंड टू लिटिल फूड। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो इसमें मतलब बाल आश्रम में रहता है, वहाँ पे बच्चों के साथ में ऑर्फनेज में रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे अदर बच्चे भी होते हैं लाइक वी नो, लेकिन वहाँ पे खाना जो था वो भरपेट नहीं दिया जाता था, मतलब टू लिटिल फूड मिलता था उनको। ही स्पेंड्स द फर्स्ट 9 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ लिविंग देयर इन द केयर ऑफ ए वुमन नेम्ड मिसिज मैन इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मडफॉग लोकेटेड 110 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। इस तरीके से मतलब नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की सेटिंग है, और यहाँ पे जो फिक्शनल टाउन है मडफॉग, इसमें मतलब वो 9 ईयर्स तक रहा था उसी ऑर्फनेज में जिसको मतलब मिसिज मैन चला रही थी। इस तरीके से इसका बचपन जो था वो इस तरीके का था। बाद में 9 साल वहाँ पे मिसिज मैन के साथ में रहने के बाद में वो उसका मतलब मिसट्रीटमेंट हुआ था काफ़ी, मतलब वो लाइक नहीं करता था वहाँ पे रहना क्योंकि वहाँ पे उसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। आफ्टर 9 ईयर्स ऑफ मिसट्रीटमेंट द बॉय इज़ रिटर्न टू द वर्क हाउस फॉर इवन मोर अब्यूज। मतलब यहाँ पे एक वर्क हाउस में काम करने के लिए उसको भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे उससे भी बुरी हालत होती है उसकी, ऑर्फनेज से भी ज़्यादा। आफ्टर द अदर बॉयज़ बुली ओलिवर इन टू आस्किंग फॉर मोर ग्रुएल एट द एंड ऑफ ए मेल मिस्टर बम्बल द पैरिश बीडल ऑफर्स 5 pounds टू एनी वन हु विल टेक द बॉय अवे फ्रॉम द वर्क हाउस। इस वर्क हाउस में एक मतलब बहुत ही ग्रुएल पर्सन था मिस्टर बम्बल जो चला रहा था उसको। और यहाँ पे एक दिन क्या हुआ कि ओलिवर ने मतलब खाने के बाद में जब उसका पेट नहीं भरा एंड ऑफ द मील, उसने और ज़्यादा ग्रुएल मांग लिया, मतलब दलिया टाइप में मोटा अनाज खाने की चीज़ जो है दलिया, वो और ज़्यादा मांग लिया, मतलब आप मान सकते हो फूड और ज़्यादा मांग लिया कि उसका पेट नहीं भरा था। और इस चीज़ पे मिस्टर बम्बल को इतना गुस्सा आया कि वो 5 pounds में उसको मतलब बेचने को तैयार हो गया कि वर्क हाउस से उसको कोई भी ले जा सकता है। ओलिवर नैरोली एस्केप्स बीइंग अप्रेंटिस टू ए ब्रिटिश चिमनी स्वीप एंड इज इवेंचुअली अप्रेंटिस टू ए लोकल अंडरटेकर मिस्टर सॉवरबरी। When the undertaker's other apprentice Noah Claypole makes disparaging comments about Oliver's mother, Oliver attacks him and incurs the Sowerberry's wrath.
इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, वहाँ से अब उसको कौन, एक चिमनी स्वीप वहाँ से ले जाता है, लोकल अंडरटेकर मिस्टर सोबरवरी। अब वो ले जाने के बाद में वहाँ पे एक और बच्चा पहले से काम कर रहा है, क्लेपोल नाम का, और इन दोनों में क्या होता है, कुछ कहासुनी हो जाती है, क्योंकि नो इसको लाइक नहीं करता ओलिवर को, और उसके ओलिवर की मदर के बारे में ये बहुत मतलब गलत बात बोल देता है मिस, तो मतलब डिस्पारेजिंग कमेंट्स कर देता है कि उसके मतलब वो कह सकते हैं कैरेक्टर पे उंगली उठाता है, मतलब काफ़ी अपमान करता है। तो इससे ओलिवर को गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, और जिसकी वजह से सोबरबरी का जो गुस्सा होता है, उसकी नाराज़गी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको मतलब इस चीज़ का इनकर्स द सोबरबरीज व्रेथ, इसके गुस्से का सामना करना पड़ता है सोबरबरी के, और मतलब उसको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब वो वहाँ से भेज दिया जाता है। इवेंचुअली आफ्टर सफरिंग रिपीटेड मिसट्रीटमेंट ओलिवर रन्स अवे, यहाँ से भाग गया वो, क्योंकि उसको बार बार में पहले तो वहाँ पे ऑर्फनेज में भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, फिर वर्क हाउस में भी कुछ अच्छा नहीं होता, फिर यहाँ पे जब आता है वो मिस्टर सोबरबरी के पास में, वहाँ पे भी उसके साथ मिसट्रीटमेंट ही हुआ है एट द एंड। तो वो अब वहाँ से भाग के लंदन पहुँच जाता है। ही सोन फाइंड्स हिमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ जॉन डॉकिंस, जैसा कि मैंने बताया जॉन डॉकिंस या जैक डॉकिंस, सॉरी पर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जॉन डॉकिंस जो हैं वो जैक डॉकिंस ही हैं, जैसा कि मैंने कैरेक्टर्स के टाइम पे बताया था। इसी को द आर्टफुल डोजर कहते हैं, तो आगे मैं आर्टफुल डोजर कहूँगी, दैट मीन्स मैं जैक डॉकिंस की बात कर रही हूँ। तो उसको शेल्टर देता है वहाँ पे एक, वो ये लड़का मिलता है आर्टफुल डोजर नाम का, और इसको मतलब शेल्टर देने के लिए कहता है कि उसका जो बॉस है वो बहुत अच्छा है और वो तुम्हें घर दे देगा रहने के लिए, मतलब लंदन में तुम नए नए हो। तो ये फैगिन के पास में ले जाता है। इट टर्न्स आउट दैट फैगिन इज अ करियर क्रिमिनल हु ट्रेन्स ऑर्फन बॉयज टू पिक पॉकेट फॉर हिम। लाइक अदर मिस ट्रीटमेंट हेयर अगेन ओलिवर इज गोइंग टू फेस अनदर वन, कि यहाँ पे उसके साथ और भी बुरा होने वाला था, क्योंकि जो आर्टफुल डोजर जो था फैगिन के पास लेके गया था वो बहुत ही मतलब क्रूअल पर्सन था, साथ में कैरियर से क्रिमिनल था, और वो ऑर्फन बॉयज़ को पिक पॉकेटिंग सिखाता था, मतलब उनको भी गलत आदतें सिखाता था, चोरी चकारी सिखाता था इस तरीके से। तो आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ ट्रेनिंग ओलिवर इज सेंट ऑन ए पिक पॉकेटिंग मिशन विद चार्ल्स बीट्स एंड द डोजर। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था ना कि कैरेक्टर्स के टाइम पे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो ये जितने भी एसोसिएट्स हैं फैगिन के, ये सारे उसके साथ में भेजे जाएंगे बारी बारी ओलिवर के साथ में। तो यहीं पे चार्ल्स बीट्स जो है ये इसका एसोसिएट है फैगिन का, और यहाँ पे डोजर भी है, तो इनके साथ में ट्रेनिंग होती है इसकी ओलिवर की, और इसके साथ में बाद में भेजा जाता है पिक पॉकेटिंग के मिशन पे। His companions pick an old gentleman's pocket and flee, and Oliver is arrested for their offense. यहाँ पे क्या होता है, वो तो इतने चालाक होते हैं कि जब एक ओल्ड जेंटलमैन की वो पॉकेट पिक कर रहे थे उस टाइम पे वो पकड़े जाते हैं, और वहाँ पे सिर्फ उस ओल्ड मैन के हाथ में आता है ओलिवर, और फिर ओलिवर को मतलब अरेस्ट कर लिया जाता है। एट द पुलिस स्टेशन द टेरिफाइड बॉय इज क्लियर्ड बाय द टेस्टिमोनी ऑफ द बुक सेलर हु विटनेस द थेफ्ट। यहाँ पे लेकिन उसको मतलब गवाही जो थी वो थोड़ी सी सही हो जाती है उसकी, क्योंकि वहाँ पे एक बुक सेलर उसको देख रहा था, और इस तरीके से वो पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा बच जाता है पुलिस के सजा से। ओलिवर कॉलैप्सेस एंड इज टेकन होम बाय मिस्टर ब्राउनलो द विक्टिम ऑफ द क्राइम। क्योंकि यहाँ पे ओलिवर बाद में बेहोश हो जाता है, मतलब डर जाता है काफ़ी, और फिर बाद में वो जो ओल्ड मैन होता है उसका नाम मिस्टर ब्राउनलो होता है, मतलब वही क्राइम का विक्टिम होता है, तो वो उसको ले जाता है, मतलब कि ये लड़का अच्छा है, मे बी कोई गलत तरीके से ये फंस गया है, तो ओलिवर को ही अपने घर ले जाता है मिस्टर ब्राउनलो। अब इसकी लाइफ थोड़ी सी सही हो जाती है क्योंकि ब्राउनलो एक नाइस पर्सन है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का इसको अब भी सामना करना पड़ता है। लाइक मिस्टर ब्राउनलो इज स्टक बाय ओलिवर्स रिजेम्बलेंस टू ए पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग वुमेन दैट हैंग्स इन हिज हाउस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब मिस्टर ब्राउनलो को ऐसा लगता है कि उसके घर में जो तस्वीर है एक वुमन की, एक पोर्ट्रेट है, वो ओलिवर से इतना कैसे मिलता है, उसकी शक्ल ओलिवर से कैसे मिलती है, क्योंकि जो ओलिवर की मदर होती है उसकी शक्ल काफ़ी रिजेम्बल करती है ओलिवर से। मिस्टर ग्रिमविग ब्राउनलोज फ्रेंड हैज़ नो फेथ इन ओलिवर, सो ओलिवर इज सेंट ऑन एन इरेंट टू टेस्ट हिज ऑनेस्टी। ओलिवर थ्राइव्स
in Mr. Brownlow's home, but two young adults in Fagin's gang, Bill Sykes and his lover Nancy, capture Oliver and return him to Fagin, who holds him in secret captivity for a while. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पोर्ट्रेट की जो स्टोरी है फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से है. मिस्टर ब्राउनलो के पास में ओलिवर की मदर की पोर्ट्रेट आया कहाँ से, मतलब फ़ोटो आई कहाँ से, तो वो इस तरीके से आती है क्योंकि इसकी फ्रेंड ने दी होती है. मतलब कहीं ना कहीं इसके फादर से इसका कनेक्शन होता है और वहाँ से ही इसको ये फ़ोटो मिली होती है. लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर ग्रेमविग होते हैं, जो मिस्टर ब्राउनलो के फ्रेंड हैं, इनको शक होता है कि ओलिवर कोई अच्छा लड़का नहीं है. मे बी ये कोई मतलब चोरी चकारी के हिसाब से ही आया हो. तो एक बार इसको मतलब कुछ काम देते हैं. वो सही तरीके से करना चाहता है ओलिवर, लेकिन क्या होता है कि जो फैगिन की गैंग के जो जैसे नैन्सी है और बिल साइक्स हैं, बिल साइक्स की लवर है नैन्सी, इनका थोड़ा सा लव अफेयर है. तो ये दोनों देख लेते हैं ओलिवर को और फैगिन के पास में ले जाते हैं पकड़ के. बीच में ही मतलब वो काम पूरा नहीं होता. तो यहाँ पे मिस्टर ग्रेमविग का जो शक होता है वो ज़्यादा हो जाता है कि वो सच में अच्छा लड़का नहीं है. तो इस तरीके से उसको पकड़ लेते हैं. बाद में इन द मीन टाइम बम्बल ए माइनर पेरिस ऑफिशियल फ्रॉम ओलिवर्स बर्थ प्लेस आंसर ब्राउनलोज एडवर्टाइजमेंट इंक्वायरिंग अबाउट ओलिवर. लेकिन यहाँ पे जब ब्राउनलो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि मतलब बच्चे के बारे में, ओलिवर के बारे में, तो वहाँ पे बम्बल पहुँच जाता है कि बम्बल जो था उसके पास में काम किया था ओलिवर ने. तो वो उसको बताने के लिए आ जाता है कि उसका बर्थ प्लेस से आता है. Bumble turns Oliver's benefactor against him by grossly misrepresenting the boy's history and character. यहाँ पे Bumble भी है, वो Oliver का तो वैसे ही दुश्मन था, ये cruel person है. तो ये इसके बाद मतलब जो Oliver की जो history और character है वो represent करता है, मतलब गलत तरीके से बताता है. Fagin sends Oliver to assist Sykes in a burglary. तो यहाँ पे फैगिन क्या है, उसके पास में जब ओलिवर होता है अगेन, वो साइक्स के साथ में एक और चोरी पे उसको भेजता है, एक और मिशन पे भेजता है. साइक्स टेक ओलिवर वेस्टवार्ड थ्रू द सिटी टू ए रेंडेजुअस नियर चैट्स विद टॉबी क्रैकेट. यहाँ पे वहाँ पे सिटी के अंदर लेके जाता है वो जो साइक्स है, और साथ में उसके कौन होता है, टॉबी क्रैकेट भी होता है. ये भी एक उसका एसोसिएट होता है फैगिन का. ऑन दिस एरेंट ओलिवर इज शॉट इन द आर्म एंड दान इज टेकन इन बाय द फैमिली मेलीज दैट ही अटेम्प्टेड टू रॉब. यहाँ पे वो चोरी करने के मिशन से आते हैं, तो भी जो है साइक्स है और यहाँ पे ओलिवर. लेकिन यहाँ पे उसको मतलब घाव लगता है आर्म पे, और वो उस फैमिली जो मेलीज की फैमिली में वो रॉबरी करने के लिए आते हैं, उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है ओलिवर अगेन. While he is there, Fagin and a man named Monks plot to get him back. अब वहाँ पे होता है ये मेलीज की फैमिली में पहुँच जाता है. तो यहाँ पे फैगिन और जो मॉन्क्स है, जो इसका हाफ ब्रदर है, वो मतलब प्लान करते हैं कि इसको वापस कैसे पकड़ा जाए, मतलब ओलिवर को वापस कैसे लाया जाए. दे ग्रो फॉन्ड ऑफ ओलिवर एंड ही स्पेंड्स एन आइडोलिक समर विद देम. लेकिन यहाँ पे वो जो फैमिली है, मेलीज फैमिली, उनके साथ में काफ़ी इंजॉय करता है ओलिवर जो है. बट फैगिन एंड ए मिस्टीरियस मैन नेम्ड मॉन्क्स आर सेट ऑन रिकैप्चरिंग ओलिवर. इट इज़ रिवील्ड दैट ओलिवर्स मदर लेफ्ट बिहाइंड ए गोल्ड लॉकेट व्हेन शी डाइड. मॉन्क्स ऑब्टेन एंड डिस्ट्रॉय दैट लॉकेट. यहाँ पे एक और चीज़ भी रिवील होती है कि ओलिवर की मदर ने उसको एज एन आइडेंटिटी वहाँ पे एक गोल्ड लॉकेट भी छोड़ती है ओलिवर के लिए. लेकिन मॉन्क्स मतलब वो चोरी कर लेती वो जो नर्स, और बाद में उसको मॉन्क्स ले लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है कि इसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चले, ताकि उसकी फॉर्चून का हिस्सा ना हो. इस तरीके से मॉन्क्स जो है वो भी उसका दुश्मन हो जाता है ओलिवर का. व्हेन द मेलीज कम टू लंदन नैन्सी मेट सीक्रेटली विद रोज एंड इन्फॉर्म हर टू फैगिन्स designs, but a member of Fagin's gang overhears the conversation. यहाँ पे जब मेलीज लंदन आती है, नैन्सी उसको सीक्रेटली मिलती है और रोज को और मतलब मेलीज फैमिली को बता देती है कि किस तरीके से मतलब फैगिन की गैंग का मेंबर है और किस तरीके से उसके साथ गलत हो रहा है ओलिवर के साथ में. अनफॉर्चुनेटली फॉर नैन्सी न्यूज़ फॉर हर बिट्रेल रिचेज साइक्स एंड ही बीट्स हर टू डेथ.
यहाँ पे साइक्स उसका लवर होता है नैन्सी का, लेकिन जब ये चीज़ पता चलती है कि नैन्सी ने हमें धोखा दिया है, वो कहीं ना कहीं ओलिवर की हेल्प करना चाहती है, इसलिए उसने रोज़ मेलीज़ को सब कुछ बताया है, तो वो उसको इतनी पिटाई करता है कि वो मर जाती है। साइक्स एक्सीडेंटली हैंग्स हिमसेल्फ सोन आफ्टर, बाद में वो खुद भी मर जाता है साइक्स। द मेलीज रीयूनाइटेड ओलिवर विद मिस्टर ब्राउन लो हु फोर्सेस मॉन्क्स टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। फिर मेलीज जो हैं उनको ओलिवर मिल जाता है तो वो ब्राउन लो को हैंड ओवर कर देती हैं उसको ओलिवर को, क्योंकि वो उसे अडॉप्ट करना चाहता था। और यहाँ पे ब्राउन लो मॉन्क्स को भी मतलब फोर्स करता है कि वो आइडेंटिटी बताए सब कुछ क्या है क्या नहीं है। ये इट इज़ रिवील्ड दैट, उस टाइम पे ये रिवील किया जाता है कि मॉन्क्स इज ओलिवर्स हाफ ब्रदर। देयर फादर, जो उसका फादर था ली फोर्ड, वॉज अनहैप्पीली मैरिड टू ए वेल्दी वुमन एंड हैड एन अफेयर विद ओलिवर्स मदर एग्नेस फ्लेमिंग। यहाँ पे एग्नेस जो उसकी मदर होती है ओलिवर की, उसके बाद में अफेयर होता है उसका, क्योंकि मिस्टर ली फोर्ड की पहले ही एक शादी हो चुकी होती है, मतलब मॉन्क्स की मदर से होती है, उससे मतलब मॉन्क्स पैदा होता है, लेकिन उसे हैप्पीली मैरिज नहीं करता वो, मतलब अनहैप्पी होता है उस मैरिज से, लेकिन उसकी मतलब फोर्सफुली शादी करवाई होती है, लेकिन बाद में उसका अफेयर ओलिवर की मदर मतलब एग्नेस से हो जाता है। मॉन्क्स हैज़ बीन परस्यूइंग ओलिवर ऑल अलोंग इन द होप ऑफ इंश्योरिंग दैट हिज हाफ ब्रदर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज शेयर ऑफ द फैमिली इनहेरिटेंस। और इसी वजह से मॉन्क्स ये चाहता था कि मतलब ओलिवर को उसकी मतलब शेयर्स में से उसके हाफ ब्रदर को कुछ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। यहाँ पे मतलब एग्नेस की जो मतलब ओलिवर की जो मदर थी, यहाँ पे मिस्टर लीफोर्ड ने उसे शादी नहीं की थी, उससे पहले ही वो प्रेगनेंट हो गई थी और फिर वो मर भी जाती है। मिस्टर ब्राउनलो फोर्सेस मॉन्क्स टू साइन ओवर ओलिवर शेयर टू ओलिवर, लेकिन यहाँ पे मॉन्क्स जब चाहता था कि उसका जो उसका शेयर है, जो उसको इनहेरिटेंस में जो भी कुछ मिलेगा उसमें ओलिवर का शेयर नहीं हो, इसलिए उसने सारी प्लानिंग की थी, लेकिन मिस्टर ब्राउनलो जो है वो मॉन्क्स को फोर्स करते हैं कि वो ओलिवर के शेयर के ऊपर साइन करे कि उसका ओलिवर का हिस्सा उसको मिल जाना चाहिए। मोर ओवर इट इज़ डिस्कवर्ड दैट रोज इज एग्नेस यंगर सिस्टर हैंस ओलिवर्स आंट। यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है, जो मेलीज फैमिली में मिसिज मेली ने जिसको पाला था रोज को, उसके फादर की डेथ के बाद में, वो एक्चुअल में एग्नेस की ही छोटी बहन थी, दैट मीन्स वो ओलिवर की आंट थी, मतलब माँ से कह सकते हैं आप। फैगिन इज हंग विद हिज क्राइम्स, फैगिन को मतलब उनके क्राइम की सजा मिली। फाइनली मिस्टर ब्राउनलो अडॉप्ट्स ओलिवर एंड द मेलीज रिटायर टू ए ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस इन द कंट्री साइड। इस तरीके से ब्राउनलो जो थे वो उन्होंने ओलिवर को अडॉप्ट कर लिया, और इस तरीके से मैम जो मेलीज थे वो भी रिटायर टू ए ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस इन द कंट्री साइड। एंड द बम्बल्स लोज देयर पोजिशन एंड बिकम इन मेट्स ऑफ द वर्किंग हाउस वेयर एग्नेस फ्लेमिंग डाइड आफ्टर गिविंग बर्थ टू ओलिवर ट्विस्ट। और इस तरीके से बम्बल जो थे, बम्बल जो था जो एक क्रूअल पर्सन था, और वो उसको भी मतलब उसको भी उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है जहाँ पे एग्नेस फ्लेमिंग ने मरी थी, जहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट का बर्थ हुआ था, वहाँ से उसको हटा दिया जाता है। अब मतलब एट द एंड जो विलेंस होते हैं, जिन्होंने क्राइम्स किए होते हैं, जो भी क्रूअल पर्सन्स होते हैं, उनको सज़ा मिलती है, और यहाँ पे ओलिवर की लाइफ सही हो जाती है। ये मिस्टर ब्राउनलो उसको अडॉप्ट करके एक अच्छी लाइफ देते हैं, और रोज़ फैमिली, ये जो मेलीज फैमिली है, ये भी हैप्पी है। सो इन दिस वे द नोवल हैव एन हैप्पी एंडिंग, सॉरी अ हैप्पी एंडिंग। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस नोवल। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, put your views and suggestion in comment box, and please subscribe the channel. So